महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की फौज उतार दी है। बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट में कुल 40 नाम शामिल किए हैं। पहला नाम पीएम मोदी का है, इसके बाद जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह और नितिन गडकरी का नाम इस लिस्ट में शामिल किया गया है। लिस्ट में योगी आदित्यनाथ छठे नंबर पर हैं। सूत्रों के अनुसार बीजेपी नेताओं में योगी आदित्यनाथ सबसे लोकप्रिय चेहरा हैं और उनसे 30 चुनावी सभा कराने की मांग की जा रही है। हिंदुत्व की लाइन पर योगी महाराष्ट्र में कई सभाएं कर सकते हैं। कई राज्यों के चुनाव में धमक दिखा चुके योगी आदित्यनाथ अब महाराष्ट्र के चुनावी समर में भी गरजेंगे। इसके अलावा महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में शामिल स्टार प्रचारकों की लिस्ट में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव, राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्वा शर्मा, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का नाम शामिल है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, पीयूष गोयल, ज्योतिरादित्य सिंधिया, मुरलीधर मोहोल और बीजेपी के संयुक्त सचिव शिव प्रकाश को भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल किया गया है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को भी स्टार प्रचारक बनाया गया है। इसके अलावा प्रवीण दारेकर और संजय कुटे, अमर साबले, अशोक नेटे और नवनीत राणा भी स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल हैं। महाराष्ट्र बीजेपी के नेताओं को भी स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया गया है। इनमें महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद नारायण राणे, अशोक चौहान, पूर्व केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे, उदयन राजे भोसले, विनोद तावड़े, आशीष शेलार, पंकजा मुंडे, चंद्रकांत पाटिल, सुधीर मुनगंटीवार, राधाकृष्ण विखे पाटिल, गिरीश महाजन और रविंद्र चौहान का नाम भी स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया गया है। महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी भी चुनावी रैली करेंगे और वो दिवाली के बाद ताबड़तोड़ रैलियां करते हुए महाराष्ट्र में नजर आएंगे। पीएम मोदी 5 से 14 नवंबर तक महायुति के लिए वोट मांगेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगभग 8 दिनों तक महाराष्ट्र में कई चुनावी सभाएं देखने को मिलेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के हर क्षेत्र में रैली करेंगे। पीएम मोदी बीजेपी ही नहीं महायुति के उम्मीदवारों के लिए भी प्रचार करते दिखेंगे। माना जा रहा है कि महाराष्ट्र में बीजेपी 150 से 153 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। शिवसेना 80 से 82 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। एनसीपी अब 55 से 57 सीटों पर चुनाव लड़ती नजर आ सकती है। वहीं शनिवार को बीजेपी ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 22 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की स्वीकृति के बाद इन नामों की घोषणा की गई है। बीजेपी ने महाराष्ट्र चुनाव के लिए अपनी पहली सूची में 99 नामों का ऐलान किया था। इसके साथ ही पार्टी अब तक कुल 121 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर चुकी है। बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय से जारी इस दूसरी सूची में पार्टी ने नासिक मध्य से देवयाली सुहास फरांदे को उम्मीदवार बनाया है, तो पार्टी ने धुले ग्रामीण सीट पर राम भदाणे पर विश्वास जताया है। पार्टी ने मलकापुर से चैन सुख मदनलाल संचेती को टिकट दिया है। अकोट से प्रकाश गुणवंत राव को उतारा है। अकोला पश्चिम से विजय कमल किशोर अग्रवाल, वाशिम से श्याम चरण जी खोडे, मेलघाट से केवल राम तुलसीराम काले को उम्मीदवार बनाया गया है। इसके साथ ही बीजेपी ने गढ़चिरौली से डॉक्टर मिलिंद राम जी नरोटे, राजुरा से देवराव विठोबा भोंगले, ब्रह्मपुरी से कृष्णलाल बाजीराव सहारे, वरोरा से करण संजय देवतले, विक्रमगढ़ से हरिश्चंद्र सखाराम भोए और उल्लास नगर से कुमार उत्तम चंद ऐलानी को टिकट दिया गया है। बीजेपी ने 20 अक्टूबर को अपनी पहली सूची जारी की थी, जिसमें उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत प्रमुख नेताओं के नाम शामिल थे। पार्टी ने नागपुर दक्षिण पश्चिम सीट से फडणवीस को चुनाव मैदान में उतारा, तो प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले को कामठी से टिकट दिया गया था। वहीं शेलार भाइयों में से आशीष शेलार को वांद्रे पश्चिम
और विनोद शेलार को मलाड पश्चिम से टिकट दिया गया। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में 20 नवंबर को मतदान होने हैं, जबकि चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।